हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ कोस्तो। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग घर में बैठे जो मोटरसाइकिल का चेन होता है उसको कैसे ल्यूब कर सकते हैं और कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने एक बार वीडियो बनाया था, तो इसके ऊपर तब मैं वीडियो बनाने में उतना ज़्यादा साथी नहीं था, तो इसलिए ठीक से नहीं हुआ। तो आज मैं फिर से वही वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग देखिए। तो आप देख सकते हैं जो चेन है इसके अंदर रस्ट वगैरह आ गया है, तो बारिश की वजह से मैंने इसको क्लीन भी नहीं कर पाया। और आप देख सकते हैं इसका जो ल्यूब है वो भी कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी ल्यूब नहीं है इसके अंदर। तो पहले जो है आपको चाहिए इसको क्लीन करने के लिए, आप केरोसिन ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आप यूज़ नहीं करना चाहते तो WD-40 यूज़ कर सकते हैं, और जो मोटुल का क्लीनर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मगर मोटुल का क्लीनर जो है उसका कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग घर में जो केरोसिन ऑयल रहता है उसको यूज़ करिए, या फिर जो WD-40 है उसको यूज़ करें। और जो मैं चेन ल्यूब के लिए यूज़ करने वाला हूँ वो है मोटुल का जो चेन ल्यूब है वही मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो ये अच्छा है। तो बहुत बहुत कंपनी का जो ल्यूब आता है मार्केट में मगर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ये प्राइस है इसका कुछ 500 के आसपास। तो ये मुझे अच्छा लगा, काम भी करता है अच्छी तरह से, तो मैं आज यही यूज़ करने वाला हूँ। और इसके लिए आपको चाहिए एक छोटा सा टूथब्रश, तो आप इसी ब्रश को यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो चेन क्लीनिंग के लिए मार्केट में ब्रश आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसका जो आप पिक्चर है वो देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ना चाहते हो तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है केरोसिन ऑयल को डाल देंगे यहाँ पर, उसके बाद 5 to 10 मिनट्स वेट करेंगे। और एक बात मैंने बोलना भूल गया था, तो आपको इसके लिए चाहिए कुछ क्लॉथ जिससे आप इसको क्लीन करने वाले हैं। तो आप जो केरोसिन ऑयल है उसको ब्रश में ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पर दे दीजिए। तो इस पार्ट को मैंने यहाँ से जो केरोसिन ऑयल था वो डाल दिया, अभी इस पार्ट को भी आप केरोसिन ऑयल से क्लीन कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर दे दीजिए, उसके बाद जब हम लोग क्लीन करेंगे तभी वहाँ पर क्लीन कर लेंगे। तो अभी क्या करना है आपको, अभी सिर्फ आपको ब्रश से इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है, चेन को घुमाना है और क्लीन करना है। सो गाइज, मैंने यहाँ पर चेन को जो पूरी तरह से क्लीन कर लिया है, तो आप देख सकते हैं नीचे कितना डार्ट इससे निकला है। तो आप चेन भी देख सकते हैं इसका हालत जो है वो कुछ तरह लौट आया है। तो अभी करते हैं क्या, इसको जो है मैंने बोला था एक क्लॉथ लगेगा आपको, उसी क्लॉथ से इसको पूरी तरह से क्लीन करते। तो आप इस करने के वक्त ध्यान रखिए, आपका हाथ अगर पॉकेट के अंदर चला जाता है तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो इससे आप सावधानी मेंटेन करें, आप ध्यान से करें। तो मैं इस क्लॉथ से पूरा जो चेन है उसको पूरी तरह से क्लीन कर लूंगा, और जो स्पॉकेट है मैंने कहा था स्पॉकेट को भी हम लोग क्लीन कर लेंगे। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं अभी जो है चेन पूरा क्लीन हो चुका है। तो अभी क्या करते हैं, इस चेन स्प्रे को यूज़ करते हैं। तो अब जब चेन स्प्रे को यूज़ करेंगे उसके अंदर ही आपको दो ऐसे जो कैप मिल जाएगा, तो आप इस कैप को यूज़ करिए क्योंकि ये ज़्यादा फायदेमंद है। अब जब स्प्रे करेंगे तब ये ठीक जो है एक्यूरेट डायरेक्शन है वहीं पर जाके लगेगा। तो ऐसे पहले चेन को ऐसे घुराना है और ऐसे दे देना है। आपको क्या करना है, एक बार पीछे से देना है और एक बार सामने से देना है। तो मैं अभी इस तरफ से दे रहा हूं। तो अभी इसको कुछ देर रन कराते हैं, तो क्या होगा, जो स्प्रे मैंने किया है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा।
तो अभी मैंने बाइक को रन करने के लिए दिया है, तो कुछ वक्त के लिए इसको अप्लाई कीजिए। तो आज का वीडियो यही तक था। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो इसके जल्दी बाद मैं कैसे घर में बैठे आप जो है चेन को कैसे टाइट कर सकते हैं, आप देख सकते जो चेन जो है वो ढीला हो चुका है तो उसको कैसे टाइट कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके ऊपर एक कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे गिर रहा है, तो इसके लिए ही इसको रन करना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।